हेलो एवरीवन वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू सो एज़ यू ऑल नो इस समय हंड्रेड एम सी की सीरीज़ चल रही है जिसमें अभी तक uh, हमने इंटरनेशनल लॉ पे टेस्ट पेपर वन को सॉल्व किया था ठीक है और uh, थोड़ा बड़ा लेक्चर था वो क्योंकि साथ क्वेश्चंस uh, के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशंस और uh, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन uh, है वो भी देते हुए चल रही थी तो इसी सीरीज़ में सेकेंड वीडियो आज हम आपका लेके आए हैं जो कि अगेन इंटरनेशनल लॉ पे है और ये टेस्ट नंबर टू है और हम बहुत जल्दी जल्दी इसमें से क्वेश्चंस और उसके करेक्ट आंसर्स देखते हुए चलेंगे और आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे फर्स्ट थिंग और दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार फॉर रिविजन ये सारे वीडियोज़ जो भी हंड्रेड एम सी की उसकी सीरीज चल रही है टू एक्स में करके फटाफट देखते जाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा एग्जाम से पहले ये चीज़ आप जरूर करिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं

ठीक तो ये किसने बोला था होलैंड होलैंड ने क्या बोला दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ अ बैनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्पूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ एट ऑल इंटरनेशनल लॉ हैज नो ज्यूडिशियल सिस्टम टू एनफोर्स द लॉ बाय अप्लाइंग सैंक्शंस तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक देखिए इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ एट ऑल ये तो मतलब बिल्कुल भी सही बात नहीं है बट ये स्टेटमेंट सही है दैट इंटरनेशनल लॉ हैज नो जुडिशियल सिस्टम टू एनफोर्स द लॉ बाय अप्लाइंग सैक्शन सो ओनली टू इज करेक्ट नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर हु अमंग द फॉलोइंग सेट दैट यूसेज रिप्रेजेंट्स द इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टम कस्टम बिगेस्ट वेड यूसेज एंड्स तो ये तो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा आप में से जितने बच्चे देखे होंगे इसका आंसर तुरंत स्ट्राइक करेगा दैट इज स्टार्क ठीक उन्होंने क्या बोला था कस्टम बिगेस वेयर यूसेज एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव इंटरनेशनल यूसेज ट्रांसलेशन इन टू इंटरनेशनल कस्टम ओनली इफ राइट इसका राइट right आंसर है कंसिस्टेंटली एंड यूनिफॉर्मली फॉलोड बाई द स्टेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम तो कंसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली और यूनिफॉर्मिटी ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है इन एनी काइंड ऑफ कस्टम कि वो पहली चीज तो लगातार चल रहा है कि नहीं और दूसरा यूनिफॉर्म है कि नहीं है ना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट इज हैज़ डिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल लॉ एज पॉजिटिव मोरालिटी सो देखिए रिपीटेशन किसी भी फॉर्म में दे आपको बस इतना याद होना चाहिए कि पॉजिटिव मोरालिटी की बात कौन करता था ऑस्टिन नेक्स्ट है इंटरनेशनल कस्टम इज इंटरनेशनल कस्टम इज वॉट जेंडरल प्रैक्टिस ऑफ स्टेट एक्सेप्टेड एज लॉ ठीक ये होती है इंटरनेशनल कस्टम बाकी जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं अ नॉर्म ऑफ जस्ट कोज फ्रॉम विच नो डेरोगेशन इज परमिटेड एन इंटरनेशनल यूसेज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकोग्नाइज बाय सिविलाइज नेशंस तो इन सब में जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज इट इज इंटरनेशनल कस्टम इज अ जनरल प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स एक्सेप्टेड एज लॉ राइट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट नॉर्म्स ऑफ जस्ट कोजन्स आर जस्ट क्वेश्चन के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया गया है क्वेश्चन इस पे क्या है? लॉ प्रमट्री नॉर्म्स ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम विच नो डेरोगेशन इज परमिटेड जो भी बच्चे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे आप देख रहे होंगे इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही है कि आप देखते ही समझ जा रहे हो कि यही इसका राइट आंसर होगा जस्ट क्विजन में मैंने ये बताया था कि जिन ऐसे नॉर्म्स जिनको हम सेट असाइड नहीं कर सकते हैं ठीक है तो बस यहाँ पे आ गया प्री एमट्री नॉर्म्स ऑफ जनरल इंटरनेशनल ऑफ़ फ्रॉम विच नो डेरोगेशन इज परमिटेड या आप इसको ऐसे समझ लो विच कैन नॉट बी सेट असाइड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन एन एडजुडिकेशन सॉरी एन एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्म ऑफ जस्ट क्वेज इज दैट तो इसका सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है हम डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन देखेंगे कैन बी मोडिफाइड ओनली बाय अ सबसिक्वेंट नॉर्म और जनरल इंटरनेशनल लॉ हैविंग द सेम कैरेक्टर दैट्स इट अभी क्या करना है जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हम उसको ही देखते हुए चलेंगे रिविजन टाइम में भी आप ऐसे करिएगा क्वेश्चन देखिएगा और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको कई बार देखिएगा आपको अगर जैसे पॉजिटिव मोरालिटी ऑस्टिन ये हमारा क्यों सही हो रहा है क्योंकि हमने बार बार इसको देख लिया कि मोर पॉजिटिव मोरालिटी की बात ऑस्टिन करते थे ठीक है तो राधर देन रीडिंग ऑल द ऑप्शन वह तो पढ़ना ही पढ़ना है बट जो करेक्ट ऑप्शन है ना उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है तो इस वजह से वो हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ लिस्टेड इन आर्टिकल थर्टी एट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कस्टम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफ लॉ रिकोगनाइज बाई सि नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड जुडिशल डिसीजन एंड टीचिंग्स ऑफ पब्लिसिस्ट इसमें क्या करना है व्हाट इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे आप आई आई एक्सपेक्ट कि आप दो तीन बार देख लेंगे देखिए uh, एक सेकेंड तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो हमें बताना है तो मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है थ्री वन टू फोर यानी कि पहले आएगा आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन देन कस्टम ऐसे याद करिएगा पहले कन्वेंशन देन आपकी कस्टम्स हैं राइट देन टू का क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकोगनाइ यानी लॉ रिकोगनाइज बाई सिविलाइज नेशंस ठीक है और लास्ट है आपका जुडिशल डिसीजनस एंड टीचिंग्स ऑफ पब्लिसिटी तो आप ऐसे इसको याद कर लीजिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिक्की, ट्रिक्की कहले या फिर थोड़ा सा इसको ज़्यादा ध्यान देना बाकी तो ईजी ही आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स विच अपलाई बिटवीन सॉवरन स्टेट्स एंड सच अदर एंटीटीज एज हैव बिन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी ठीक है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ गिवन बाई ये डेफिनेशन किसने दी थी तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ये डेफिनेशन श्वारजिन बर्गर है इन्होंने दिया था ठीक है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दैट इज डुअलिज्मोट्स दैट इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ ठीक है क्या कहता है रिप्रेजेंट टू एंटायरली डिस्टिंग लीगल सिस्टम डुअलिज्म की बात कर रहे हैं ना तो डुअलिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है दो एकदम ही अलग तरह के लीगल सिस्टम्स ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिक्लेयरिंग डिप्लोमैट पर नॉन ग्राटा इज अ राइट ऑफ द ये किस चीज का आ, कि, ये आ, किस चीज का राइट है इसके बारे में देख तो ये राइट right है ऑफ रिसीविंग स्टेट का ठीक है ना परसोना नॉन ग्रेटा ये किसका राइट right है रिसीविंग स्टेट का नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दैट इज अ पर्सन बॉर्न नॉट इन द कंट्री ऑफ हिज पेरेंट्स वुड बी द नेशनल ऑफ द कंट्री वेर ही इज बॉर्न ऑन द बेिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जस ओली ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जसोली का प्रिंसिपल ही यही है दैट अ पर्सन नॉट बॉर्न इन द कंट्री ऑफ हिज पेरेंट्स अपने पेरेंट्स ही कंट्री में नहीं बॉर्न हुआ है वुड बी द नेशनल ऑफ द कंट्री वेर ही इज बॉर्न वो जहाँ पे कोई इंडिया पेरेंट्स हैं इंडियंस हैं बट वो बच्चा कहाँ बॉर्न हुआ जर्मनी में ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टोली तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल जस ओली वो कहाँ का नेशनल कहलाएगा ऑफ द ऑफ जर्मनी ठीक नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखेंगे गिव द करेक्ट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू स्टेट रिकोगनीशन अगेन यहां पे डॉक्ट्रिन आ गई ठीक है तो हमें करेक्ट आंसर देना है ओनली टूबाउ डॉक्ट्रिन ओनली टू बार And Doctrine, only and none of the above. तो क्योंकि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें देना है और प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा कि स्टेट रिकॉग्निशन से डील करते हुए दो डॉक्टर्स थे वन वॉज टोबार एंड सेकेंड वॉज एस्ट्राडा डॉक्टर ठीक है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर नॉट रिलेटेड टू रिकोग तो बार म्यूनो सिम्पन एंड स्ट्राडा डॉक्ट्रिन तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दैट इज डॉक्ट्रिन ठीक नेक्स्ट इज वंस अ डी ज्यूरे रिकोगशन इज गिवेन टू अ न्यू स्टेट ठीक है किसी भी स्टेट को एक बार अगर ड्यू जीरो ड्यू ज्यूरे रिकोगशन दी जाती है तो देन वॉट हैपन्स न्यू स्टेट इट इज रिवोकेबल इर रिवोकेबल ठीक रिवोकेबल और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इफ इट वॉज कंडीशनल एंड नन ऑफ दबाउ तो इसका राइट right आंसर है दैट इज ठीक नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन दैट इज हु अमंग्स द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट किसने ये स्टेटमेंट बनाया स्टेट इज एंड बिकम्स एन इंटरनेशनल पर्सन थ्रू रिकोगशन ओनली एंड एक्सक्लूसिवली ये स्टेटमेंट किसका था ये ओपन हाइम का था ठीक वेन वॉज वैन अ न्यू स्टेट इज फॉर्म्ड थ्रू रिवोल्ट रिकोगनीशन यूजअली ग्रांटेड इज जब भी कभी कोई नया स्टेट बनता है थ्रू रिवोल्ट तो रिकोगनीशन इज जनरली ग्रांटेड थ्रू प्रेसिपिटेड रिकोगनीशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द लॉ मेकिंग रिजोल्यूशन ऑफ द यू एन जनरल अम्बली आर बाइंडिंग ऑन मेम्बर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि वो बाइंडिंग होते हैं मेम्बर स्टेट्स पे क्योंकि देव अ बाइंडिंग इफेक्ट इफ अडोप्टेड बाई कंसेंस ठीक ये इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द रूल्स ऑफ न्यूट्रेलिटी वर कोडिफाइड इन देखिए ये आपके न्यूट्रैलिटी का जो पार्ट है वो उत्तराखंड जुडिशरी में एकदम सिलेबस में एक साफ साफ मैंशन रहता है ठीक है तो ये क्वेश्चन आपके यू के जुडिशरी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है तो द रूल्स ऑफ न्यूट्रिश जो न्यूट्रैलिटी था वो कोडिफाइड किया गया था एटीन फिफ्टी सिक्स एंड एटीन नाइन्टी नाइन में ठीक नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हु फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ फैक्टर्स एंड सर्वेंडर टू एक्सप्लेन द बेसिस फॉर्म ऑफ इंटर बेसिस ऑफ नॉट इट इट बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ तो पैक्टस एंड सर्वेंडा की जो थियरी थी वो किसने दी थी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने बताया था दैट इट वॉज गिवन बाई एनजिलॉटी ठीक नेक्स्ट इज ईच सक्सेसिव गवर्नमेंट इन अ स्टेट इज एज रूल लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इट्स प्रिटिससेस ये जो रूल है वो किस डॉक्ट्रिन um, पे बेस्ड है तो ये प्रिंसिपल था ऑफ कंटिन्यूटी उस पर बेस्ड था ठीक है तो जितने भी डॉक्ट्रिन्स uh, प्रिंसिपल या थियोरी ये सब आएगा वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर स्टेट सक्सेशन इज़ अ मिसनोमर इस चीज़ को किसने बोला था इज द ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है आप प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा सो स्टेट सक्सेशन को मिस नोमर कहा है ये ऑब्जर्वेशन किसका था जे जी स्टाक यानी स्टाक जो थे जे जी स्टाक उनका यह ऑब्जर्वेशन था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच कैटेगरी ऑफ द आस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट सक्सेशन विच कैटेगरी ऑफ द आस्पेक्ट ऑफ द स्टेट सक्सेशन हैज नॉट येट बीन रेगुलेटेड बाई एन इंटरनेशनल कन्वेंशन ठीक इसका राइट आंसर है क्लेम्स टू अनलिक्विडेड डैमेजेस ये भी आपका प्रीवियस वीडियो में हम यह क्वेश्चन डील कर चुके हैं नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ द यूनाइटेड नेशन अंडर आर्टिकल वन ऑफ द चार्टर टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ ऑफ सोशल कैरेक्टर टू ब्रिंग अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ठीक है देखिये ये भी क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और ये सारे ही हैं उनके ऑब्जेक्टिव टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस टू इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेस एंड रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसका राइट आंसर इस आपका यही टू इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड द रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हेज़ बीन अप्रूव्ड किस आर्टिकल में सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई है तो आर्टिकल वन दू एन ओ वॉज फॉर्मड ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टोबर नाइनटीन फोर्टी फाइव ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं विच ओरिजिनल मेबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड एट द सन्सिस्को कॉन्फ्रेंस इन नाइनटीन फोर्टी फाइव एंड डिड नाट देयर फॉर साइन द यूनाइट नेशंस चार्टर ऑन ट्वेंटी जून नाइनटीन फोर्टी फाइव तो इसका जो राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर ठीक है पोलैंड उस समय नहीं प्रेजेंट था और उसने साइन भी नहीं किया द यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑन ट्वेंटी जून जो नाइनटीन फोर्टी फाइव का था ठीक नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नेम्स आर मैं कौन से आर्टिकल में इनके नाम मेंशन है तो ये मेंशन है आपका आर्टिकल सेवन ठीक है क्या ध्यान रखेंगे आर्टिकल सेवन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर आपको पता ही है कि आपको यूएन चार्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस तो प्री प्रीवियस ईयर में मैं आपको बताया छह ऑर्गन्स होते हैं ठीक है दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल आईसीजे जनरल असेंबली ये तीनों तो है बट आई एल ठीक है ये सारे यूएन के ऑर्गन्स नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ठीक नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यू एन अगेन इकोसॉक इकोनॉमिक सोशल काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो यहाँ का राइट आंसर क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वॉट इज द नंबर ऑफ द ओरिजिनल मेम्बर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशनस ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन नहीं है इसमें है कि यूनाइटेड नेशंस की जो ओरिजिनल मेंबर्स थे उनका कितना नंबर था तो उस समय फिफ्टी वन थे ठीक है ओरिजिनल मेंबर्स नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर तो इसका आंसर है सिक्स नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो टोंगा वेटिकन सिटी ईस्ट तेम्बूर मॉन्टा मॉन्टेगरो इसका क्या हमें बताना है ऑल आर मेंबर्स ऑफ यूएन ओनली वन एंड टू आर मेंबर्स ऑफ यूएन तो हमें ये जानना है कि कौन यूएन uh, के मेंबर्स हैं और कौन यूएन के मेंबर्स नहीं हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का दैट इज़ ये सारे ही यूएन के मेंबर हैं टोंगा वेटिकन सिटी ईस्ट तमूर एंड मॉन्टिग ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ़ द यू एन चार्टर रिलेट्स टू द डोमेस्टिक जुरिस्ट्रिक्शन डोमेस्टिक जुरिस्ट्रिक्शन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर यही है आर्टिकल टू सब क्लास सेवन ये बात करता है डोमेस्टिक जुरिस्ट्रिक्शन के बारे में क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन मिशन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैं प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस अंडर आर्टिकल टू ऑफ द यू एन चार्टर ठीक है तो इसका आंसर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल ये नहीं मेंशन किया गया है एज नो प्रिंसिपल ऑफ द यूएन चार्टर इन यूनाइटेड नेशंस इन द यूएन चार्टर बाकी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ये भी है नॉन इंटरवेंशन इन मैटर्स ऑफ एसेंशियली विद इन द डोमेस्टिक्शन ये भी है सॉबरन इक्वलिटी ऑफ ऑल द मेबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ये भी है ठीक है लेकिन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम ये मैंशन नहीं है इन दूमन चार्टर नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्टी एट हु अमंग द हु अमंग द हैज़ नॉट बीन द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यू एन देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आप सेक्रेटरी जनरल्स के सारे एक लिस्ट बना के और किस कंट्री से हैं, वो लिख लेंगे तो एक दो बार भी देख लेंगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल अब देखिए इसमें त्रिग्वेली ये आपको मैंने बताया था कि दूसरे नंबर के थे कुर्थवेल्दीम इनको बताया गया था रूजवेल्ट और यूथान्ड तो इसमें से अगर प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा आपने तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि इन तीनों लोगों के बारे में डिस्कस किया था मैंने आपसे ठीक है कौन कहाँ से है इनका स्वीडन लिखा था बट ही वॉज नॉट फ्रॉम स्वीडन बट फ्रॉम ऑस्ट्रिया और यूथान्ड ये आपके म्यांमार से हैं तो रूजवेल्ट ये कौन है यू एन के जनरल सेक्रेटरी जनरल नहीं थे ठीक है इसके अलावा बाकी सारे थे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन थर्टी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच ट्रिगवेली नॉर्वे कुर्थवेल्दीम स्वीडन थान्ट म्यांमार कोफियान घाना तो अगेन ये वही क्वेश्चन है ये ऑस्ट्रिया होगा तो इसका राइट आंसर टू है द फर्स्ट सेशन ऑफ द यू एन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन जो यू एन असेंबली का पहला सेशन था वो कब हुआ था ठीक सो हेल्ड ऑन जनवरी टेंथ नाइनटीन फोर्टी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन परफॉर्म्स लेजिस्लेटिव फंक्शंस ठीक है कौन सा ऑर्गन परफॉर्म करता है द जनरल असेंबली इकोस्टॉक और ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सिक्योरिटी काउंसिल तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेजिस्टिव फंक्शन है वो जनरल असेंबली परफॉर्म करता है यूनाइटेड नेशंस का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नो मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैन सेंड इन द जनरल असेंबली मोर देन फोर फाइव सिक्स टू कितने रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा नहीं सेंड कर सकते तो इसका राइट right आंसर है फाइव यानी पाँच रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा आप सेंड नहीं कर सकते हो यू में यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन वॉज अडोप्टिड बाई द फॉलोइंग यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन ये आ, आ, किसने अडॉप्ट किया था तो जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था नेक्स्ट देखते हैं द यूनाइट नेशन चार्टर कंटेन्स प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेल अ मेम्बर फॉर द फॉर परसिस्टेंट वेशन ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स एंश्योर इट्स नॉन मेम्बर्स टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सॉवरेंट इक्वलिटी प्रिंसिपल इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें बताना है तो राइट आंसर इसमें दोनों है ठीक मेंबर फॉर परसिस्टेंट पॉलिशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड इंश्योर करें इट्स नॉट मेंबर्स टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद्रेन इक्वलिटी प्रिंसिपल ठीक है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन फोर्टी फाइव वट इज द नेम ऑफ द कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यू एन जीएन जी ए की जो सिक्स असेंबली uh, है उसके बारे में बताना है दैट इज लीगल कमेटी ठीक है इसका राइट आंसर है लीगल कमेटी एंड नेक्स्ट बाकी जो है वो इसमें से नहीं होंगी ठीक है ना अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज अपॉइंटेड ठीक तो जो यू एन का सेक्रेटरी होता है उनको कौन कौन अपॉइंट करते हैं तो इसी प्रीवियस वीडियो में भी था बाई द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ठीक प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको तुरंत क्लिक करेगा फोर्टी सेवन हु कैन एक्सपेल अ स्टेट फ्रॉम द मेम्बरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशनस एक्सपेल कौन कर सकता है यानी उनको हटा कौन सकता है ठीक है इसका राइट right आंसर है जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इसका सेम ऑप्शन है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लाइज ऑन किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिक्योरिटी काउंसिल क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द राइट ऑफ द सेल्फ डिफेंस प्रोवाइडेड इन यू एन चार्टर इज सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ ठीक है जजमेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फिफ्टी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यू एन यू एन के सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं ये भी हम पिछली बार आपको बताए थे कि आप मिला लीजिए दस नॉन परमानेंट प्लस फाइव परमानेंट तो टोटल तो कितने तो तो हुए फिफ्टीन मेंबर्स राइट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट ऑफ मेबर ऑफ द यू एन ठीक है इसके ऑप्शन देख लेते हैं यूएसए, यूके, फ्रांस स्पेन तो पिछली बार ही हमने देखे थे कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट नो कि स्पेन इसमें से परमानेंट मेंबर नहीं है बाकी ये तीनों हैं ठीक है यूएसए, यूके, फ्रांस और बाकी आप मिला लीजिए चाइना प्लस रशिया ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं विच इज़ नॉट अ पीसफुल मीन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर द इंटरनेशनल लॉ इसका राइट right आंसर क्या है दैट इज रेटोरेशन इज नॉट अ पीसफुल मीन्स उसके अलावा कंसिलेशन ने गुड ऑफिस सारे पीसफुल मीन्स है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड हैज फॉर्मली सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन तो इसका राइट आंसर है ट्रस्टीशिप काउंसिल क्वेश्चन फिफ्टी फोर वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो ये तो हम सबको पता है हेग में है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन द सीट इज नॉट एट द हेग तो ये क्वेश्चन uh, भी हमने पिछली बार देखा था इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ये हेग में नहीं है इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये सब हेग में है देखिये जो पहला वीडियो था वो अराउंड वन आवर का हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे आई वाज डिस्कसिंग और इस वीडियो में हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि ये पिछले वीडियो में सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है फिफ्टी सिक्स देखते हैं द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ जजेस का जो टर्म होता है वो क्या होता है नाइन ईयर्स ठीक है ये मैंने आपको बताया था फिफ्टीन जजेस कोरम में आपको नाइन जजेस रखने हैं और इनका जो टर्म है दैट टू ऑल्सो इज नाइन ईयर्स और आई में जो इंडिया के सबसे पहले जज थे रिप्रेजेंटिंग इंडिया ही वॉज डॉक्टर नागेंद्र सिंह और इस समय जस्टिस दलवीर भंडारी राइट ये सब याद रखना आपको 57 सेवन द कोरम ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखिए वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया और कोरम में कितने जजेस होते हैं नाइन द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस साइंड बाई होम प्रेसिडेंट रजिस्ट्रार ये थोड़ा डिफरेंट है प्रीवियस वीडियो में ऐसा नहीं था और इम्पोर्टेंट भी है तो इसको साइन कौन करता है प्रेसिडेंट और रजिस्ट्रार दोनों साइन करते हैं ठीक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन देखेंगे uh, फिफ्टी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट ये आपके यूपी जो में का क्वेश्चन है तो इसकी जो ऑफिशियल uh, लैंग्वेज है दैट इज फ्रेंच एंड इंग्लिश ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्स द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन इलेक्ट करते हैं वहाँ के जजेस को ठीक है इसका राइट right आंसर है द जनरल असेंबली ऑफ द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस तो इसका जो राइट right आंसर होगा दैट इज जनरल असेंबली इलेक्ट करती है और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों ही मिलके इलेक्ट कर, करते हैं इसकी वजह से कंफ्यूज आप मत होइएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट बोल रहा है तो ये भी होगा ये नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर सिक्सटी वन ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ जजेस हु आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली ओनली ठीक है देखिए यहाँ पे ओनली आ गया द जजेस आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ नाइन इयर्स एंड कैन नॉट बी री इलेक्टेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म एनी स्टेट विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मे ऑल्सो बिकम अ पार्टी टू द स्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अब आपको बताना कौन सा करेक्ट है ठीक है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज देखिए पहली चीज़ तो ये आप प्रीवियस क्वेश्चन ही समझ गए होंगे कि ये दिस इज़ नॉट द राइट आंसर ऑप्शन वन क्योंकि जनरल असेंबली नहीं सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलकर करते हैं और ये इन्होंने जो बताया री इलेक्शन वाला तो ऐसा भी नहीं है दे कैन बी री इलेक्टेड है ना तो दिस दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट ओनली ऑप्शन नंबर थ्री अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू पे जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन बी डिसमिस अब इनके डिसमिसल के बारे में स के इनको डिसमिस कौन करेगा यूनानिमस ओपिनियन ऑफ द अदर जजेस ऑफ द कोर्ट ठीक है ना जितने भी दूसरे जजेस हैं उनका यूनानिमस ओपिनियन होना चाहिए तभी इनको डिसमिस कर सकते हैं अदरवाइज नहीं इंडिकेट द करेक्ट आंसर अ डिसीजन ऑफ द आई सी जे हैज नो बाइंडिंग फोर्स नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस दैट इज द राइट आंसर ठीक क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर

बाई द स्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल तो यानी देखिए किस आर्टिकल में दिया है दैट जो इंटरनेशनल कस्टम होता है वो सोर्स होता है इंटरनेशनल लॉ का तो ये आपके दिया है आर्टिकल नंबर थर्टी एट आपको आर्टिकल से ऐसे याद रखने पड़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन आर्टिकल थर्टी एट ठीक है आर्टिकल थर्टी एट में कौन कौन सी यानी जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है इसमें से कौन सा है जो कवर uh, uh, नहीं करता ठीक है तो डिसीजन जुडिशल डिसीजन डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जुडिस्टिक वर्क इंटरनेशनल ट्रिटीज इसका राइट आंसर होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन है दे डू नॉट कवर अंडर द आर्टिकल थर्टी एट ठीक है सिक्सटी सेवन विच अकॉर्डिंग टू क्लास वन ऑफ आर्टिकल थर्टी एट देखिए आर्टिकल थर्टी एट से बार बार ही क्वेश्चन पूछ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द आईसीजी आ सब्सिडरी मीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ लॉ दैट कैन बी अपलाइड बाई द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ठीक है सिक्सटी सेवन में देखेंगे टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ वेरियस नेशंस ये क्वेश्चन भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं ठीक है देन द जजमेंट ऑफ द आई सीजे इज टू बी साइंड बाई अभी हमने देखा कि ये दोनों लोग प्रेसिडेंट एंड द रजिस्ट्रार ये दोनों लोग इसको साइन करेंगे इट इज इट इज इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी लीगल क्वेश्चन तो इस पर इनको रिक्वेस्ट कौन करता है तो इसको रिक्वेस्ट करेगा द जनरल असेंबली ऑफ़ द यूनाइटेड नेशन मैक्सिमम चीज़ों में आप देखेंगे कि जनरल असेंबली का रोल है अ नॉन मेंबर ऑफ दू एन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ठीक ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जनरल असेंबली अलोन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल अलोन ऑन द दंडीशन टू बी लेड डाउन बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ठीक है इसका जो राइट right आंसर है दैट इज वट इज दिस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी या सो अलोन वाली चीज जो है वो तो बिल्कुल ही गलत है ये वाला ऑप्शन सही होगा ऑन द कंडीशन ऑफ to be laid down by the general assembly on the recommendation of the security council. and fourth one is on the recommendation of the secretary general to asato bilkulbihi. next is question number 71. Uh, who out of the following is entrusted with the task of enforcement of judgments of the international court of justice? fine. so the right answer is the security council of the united nations. 72. आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज नॉट बीन इलेक्टेड एज अ जज ऑफ द आईसीजे डॉक्टर नागेंद्र सिंह दलवीर भंडारी आर एस पाठक रंगनाथ मिश्रा तो इनमें से कौन है जिनको इलेक्ट नहीं किया गया एज अ जज ऑफ़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका राइट आंसर होगा रंगनाथ मिश्रा ठीक है इस क्वेश्चन से ये भी समझ में आता है कि आईसीजे में जितने भी जजेस हुए हैं उनकी भी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए स्पेशली इंडियन जजेस ठीक है और बाकी सारे जजेस की रहेगी तो उसमें बस देखना रहेगा कि क्या कौन कौन है दैट्स इट इस ज्यादा डीप में नंबर नंबर तो आई डोंट थिंक यू पूछेंगे क्योंकि अभी तक नहीं पूछा है द कैरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्यूमेरेट ह्यूमन राइट्स इंपोज ऑब्लिगेशन ऑन स्टेप्स टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड कंटेन मैकेनिज्म टू इंप्लीमेंट ह्यूमन राइट्स एंड इम्पोजेज ऑब्लीगेशन ऑन स्टेट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट इनटेड दर इन सो दिस इज द राइट आंसर वो इम्पोज करता है ऑब्लीगेशन ऑन स्टेट्स पे ठीक है What the charter of the United Nations? Next is 74. Which of the following is a human rights organization? So is gay Amnesty International is the human rights organization. Thick. Next taking is 75. Yes. In which year World Health Organization has been constituted. तो हमें ये भी ध्यान रखना है अलॉन्ग विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सबका पूछ सकता है वो ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो द राइट आंसर इज 1946 इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 18 5 15 9 एंड 17 जजेस तो so, ये क्वेश्चन देखिए अब तो कई बार देख चुके हैं दैट आई में पंद्रह जजेस होते हैं कन्फ्यूज नहीं करना और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो आपकी उसमें आपके अट्ठारह जजेज होंगे तीन को और बढ़ा दीजिए बस ठीक है तो आईसीजे के साथ साथ आईसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में भी हमें पता रखना है सेवेंटी सेवन में देखते हैं द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेड क्वार्टर ये कहाँ पे है सो so, ये आपके बर्न में ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड एट ये कहां पर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन ठीक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट in. हो जाता है क्योंकि आपके बेर एक्ट से है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो पार्ट थर्ड एंड पार्टो पार्ट फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटी रवांडा इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल हैज बीन इस्टैब्लिश्ड एज पर रूलिंग ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग रिजोल्यूशन ऑफ द जनरल असेंबली डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी जनरल नो तो इसका राइट आंसर होगा आपका रिजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ठीक क्वेश्चन नंबर एटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो कौन थे इनमें से मेंबर ऑफ द आई सीजे जस्टिस जे एस वर्मा नागेंद्र सिंह पी एन भगवती ए एस आनंद तो इसमें से डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे एटी टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ थ्रू पॉलिटिकल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज बीन ऑथर्ड बाय ठीक है इसका आंसर है रोजिलेन हिगल्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है याद रखना है ये सब बहुत ही फैक्चुअल है आप एक बार नहीं इसको एक बार देखिए कई बार वीडियो टू वेक्स पे करके देखेंगे बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा बाकी आप सोचें कि आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट पढ़ लें ये सारी चीज़ें तो इस टाइम ये वो सारी सारी चीज़ें ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होने वाली हैं द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसिस दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या थी वो तो उनका नाम था रोजेलिन हिगन्स जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ठीक है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ थ्रू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये बुक थी रोजेलिन हिगन्स की जो कि फर्स्ट वुमेन जज थी ऑफ़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड प्रपोज द क्रिएशन ऑफ ट्रायोका इन प्लेस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस तो ये जो ट्रायोका है ये ये किसने प्रपोज किया था ठीक है तो इट वॉज प्रपोज बाई यूएसएसआर विच ऑफ़ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशील विद रिफ्यूजीज ठीक है रिफ्यूजीज से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है सो so, इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ यू एन एच सी आर ठीक है इसका आपको uh, रिफ्यूजी से डील करने वाली दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर तो बस ये तो बहुत आसान है दैट इज यूनिसेफ ये हमको पता ही है नेक्स्ट इज एटी सेवन दैट इज वेयर इज द यूनेस्कोज़ हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ हेडक्वार्टर्स देखिए सारे ही इंस्टीट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो यूनेस्को का है आपके पेरिस में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ member ऑफ द सार्क ठीक है तो ये आपका करंट इंटरनेशनल अफेयर्स में इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे तो सिंगापोर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सार्क ठीक है नेक्स्ट इज इन इंडिया लॉ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आ चुका है तो आपका लॉ डे कब सेलिब्रेट होता है दैट इज ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्टली मैच्ड आप क्या बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशन गलत है है ना करेक्टली मैच नहीं है यानी कि गलत है तो देखते हैं इसका ऑप्शन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटी पे इसमें क्या है देखिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसमें क्या होता है 225 सौ पच्चीस आर्बिट्रेटर्स होते हैं ठीक है थीके? तो ये ऑप्शन आपका गलत है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मैंने पहले ही आपको बताया कि 18 जजेस होते हैं 15 होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ठीक है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी ये सही है इसमें ट्वेंटी जजेस होते हैं और यू वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल फॉर यूगोस इसमें सिक्सटीन है ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ वन टू एंड फोर बाकी देखिए इसीलिए मैंने आपको नंबर्स भी साथ में बता दिए ताकि ईजी हो जाए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच ठीक है तो अगेन इसमें वही चीज है डिक्लेरेशन ऑफ अंटार्क्टिक चार्टर मॉस्को डिक्लेरेशन ये आपका डम्बल डम्बा दंबा, डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस और ये केलॉग ब्रांड तो ये तो प्रीवियस वीडियो में भी सेम क्वेश्चन था इसमें यही आपका राइट आंसर है ये 1928 में हुआ था केलॉग ब्रैड पैक जिसको पेरिस पैक्ट भी बोलते हैं ठीक है सो so, प्रीवियस अपने वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प हो जाएगा और देखेंगे इस वीडियोज़ को तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये नाइनटीन नहीं बल्कि ट्वेंटी था ठीक है ना बाकी वो कुछ भी पूछ सकते हैं आप कितने सारे फैक्ट्स याद करेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन कब कब अडॉप्ट किया था इसको जनरल असेंबली में असेंबली ने तो इट वाज अडॉप्टेड ऑन सिक्सटीन ऑफ दिसंबर नाइनटीन सिक्सटी सिक्स अकॉर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज इज ये किस टाइप का अकॉर्ड है ठीक है इट इज़ अ बाइंडिंग ट्रिटी इट इज़ नॉट अ बाइंडिंग ट्रिटी अ डिक्लेरेशन ऑफ जनरल असेंबली एंड एन ऑप्शनल प्रोटोकॉल सो इट इज नॉट अ बाइंडिंग ट्रिटी ठीक है ना नाइन्टी नेक्स्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यू एन पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड इन बर्न राइट देखिए अब पहले से ज्यादा ईजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना क्योंकि हम एक बार अच्छे से सौ क्वेश्चन तक दिख चुके हैं नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ यू एन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर द एक्सपल्जन ऑफ अ मेम्बर स्टेट ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस वीडियो में था आर्टिकल नंबर सिक्स एक्सपल्जन की बात करता है राइट यू एन एच सी आर सॉरी यू एन सी एच आर इज रिलेटेड विद ये किस सीज से रिलेटेड है सो द फुल फॉर्म ऑफ यू एन सी एच आर इज़ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स लेकिन जो ऑप्शन हैं देखिए लेबर्स चिल्ड्रेन वुमेन रिफ्यूजीज आई थिंक यहाँ पे ये ऐसे फ्रेम था दैट इज़ यू एन एच सी आर ठीक है ये इस तरह से रहा होगा दैट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज सो इस वजह से यहाँ पे हम रिफ्यूजीज़ करेक्ट करेंगे अदरवाइज या फिर ऑप्शन में होता है ह्यूमन राइट्स तो हम उसे करेक्ट करते हैं ठीक है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है दैट इज़ नॉट एन इशू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी जून ट्वेंटी जुलाई एंड ट्वेंटी ऑगस्ट जस्ट वेट अ मिनिट तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज वॉट इजनिंग जस्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन सो द राइट आंसर इज योर आंसर दैट इज ट्वेंटी ऑफ जून ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट द प्रोविजन्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट वॉज मेड बाय जनरल असम्बली ऑन इसका राइट आंसर होगा ट्वेंटीबर नाइनटीन नाइनटी थ्री ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइन्टी नाइन द यूनिवर्सल डिकलेन ऑफ ह्यूमन राइट वॉज अडोप्टेड बाई द यू एन जी एन जनरल असेंब्बली ऑन किस दिन अडॉप्ट किया गया था इसका राइट आंसर है दैट इजेंथ ऑफ डिसम्बर नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी एट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज किस तरह के ये एक ऑर्गेनाइजेशन uh, है इज अ सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन ऑफ जनरल असेंबली ठीक है तो ये आपके हंड्रेड एम सी क्यूज फिनिश होते हैं यहाँ पे और uh, इंटरनेशनल लॉ में हमने दो टेस्ट पेपर सॉल्व किए ठीक है पहला वाला आ, फर्स्ट वीडियो वाज अपलोडेड और ये दूसरा वीडियो था अगर आप ये दोनों 200 दो सौ क्वेश्चन की सीरीज़ देख लेंगे और वीडियो को आप आ, वन पॉइंट फाइव एक्स या सेवन फाइव या टू एक्स पे जिसमें पे भी आप कंफर्टेबल हो करके आप देखिए और दो तीन बार ये वीडियोस आप देख लेंगे तो आपके 200 सौ क्वेश्चन पूरे रेडी हो जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन वैसे हैं जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे एक भी क्वेश्चन इसमें से अनइम्पॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे हम और भी लीगल सब्जेक्ट्स के एम सीरीज़ लेके आ रहे हैं उनको भी देखिए और इनमें से कोई भी डाउट हो या कोई भी करेक्शन या कुछ भी ऐसा हो तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइए ठीक है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू कीप स्टार्टिंग